रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र थोड़ा थोड़ा मैंने कहा ना पेज हमेशा छोड़ते रहिएगा क्योंकि पेपर सॉल्व किया एनसीआरटी पढ़ा कुछ मिला अब ये चैप्टर बड़ा है छोटे छोटे चैप्टर खत्म हुए दो ही चैप्टर बचा ये और ह्यूमन हेल्थ और डिजीज इसके बाद हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे तो यहां भी लिखा सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम टाइप यानी अंगों का समूह जो समान प्रकार के काम करते हैं और यहां समान प्रकार का कार्य क्या है रिप्रोडक्शन प्रजनन तो देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है आपकी बुकलेट में दिया हुआ है ऑर्गन के बारे में एनसीआरटी में भी दिया हुआ है पढ़ लीजिए जहां भी नहीं समझ में आएगा आप क्या है वो बुक लेके ऑफिस में मिलिए या क्लास में ही मिलिए आफ्टर क्लास और बिफोर द क्लास हम यही खड़े होके आपको क्या है? बहुत लोग पूछते हैं क्लास के बाद तो आप पूछ लीजिएगा समझ लीजिएगा जो समझाना होगा मैं समझा दूंगा यहां मैं प्रोसेस की बात करूंगा ठीक है प्रक्रिया में क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वॉट डू वी मीन बाई रिप्रोडक्शन प्रजनन मीन्स होता क्या है क्या होता है वट डू यू मीन बाई रिप्रोडक्शन प्रजनन मीन्स क्या बोलिए जो जानते हो सही जानते हो मैं बार बार कहता हूं बोलिए ठीक हाँ तेज बोलिए <स्वाँगी> अपनी ही स्पीसीज का ऑफ स्प्रिंग वो मेल हो सॉरी स्वारे। <स्वारेख> वो ह्यूमन बीइंग हो या अदर एनिमल हो या फिर प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं ऐसा नहीं, नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा अपनी ही प्रजाति के नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है अपनी प्रजाति के नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है reproduction is the process reproduction is the process by which any organism produce young one your offspring of their own species. reproduction is the process by which any organism, produce young one of their own species अपनी ही प्रजाति के नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह का होता है रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो तरह का होता है ऐसे ही बनाइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन ठीक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है अलैंगिक जनन क्या होता है जिसमें मेल और फीमेल की सेपरेटली नीड नहीं होती जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती या यू कैन ऑल्सो से दैट दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स जनन का वह प्रकार जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती उसे अलैंगिक जनन कहते हैं या जनन का वह प्रकार जिसमें नर और मादा की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं लिख डालिए सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स और नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल सेपरेटली इज नोन एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन का वह प्रकार जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती जनन का वह प्रकार जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती या नर और मादा की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती अलैंगिक जनन कहलाता है दूसरे में लिखिएगा इसी का उल्टा जहां नहीं होती है वहां क्या है होती है लैंगिक सेक्सुअल में लिख डालो इसी का उल्टा कि सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्सुअल ऑर्गन्स आर नीडेड और मेल एंड फीमेल इज नीडेड सेपरेटली इसी का जस्ट उल्टा दूसरे साइड में लिखिएगाज लिखिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए लिए। दोनों को हमें डिटेल करना है तो अब जो लिख चुके हैं सबसे पहले अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन हेडिंग डालिए ठीक पहला पॉइंट लिखेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन अलैंगिक जनन एक प्रकार का कोशिका विभाजन ही होता है अब जो पीछे पढ़ा होगा मैंने कहा था ना कि आगे बताएंगे लेकिन जितना पढ़े हो उसके बाद की बात बताएंगे उसके बाद की बात बताया था इसीलिए मैंने सेल में कहा था सेल डिवीजन थोड़ा सा बेसिकली अपने से पढ़ लीजिएगा लिखिएगा ऑल प्रो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली सभी प्रो कैरियोटिक जीव अलैंगिक प्रकार का जनन करते हैं अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा ये यूपीएससी ने स्टेटमेंट बनाया था और लोग गलत करके चले आए मैंने आपको क्या बताया या क्या लिखवाया कि अलैंगिक प्रकार का जनन करते हैं मैंने आपको ये नहीं लिखवाया कि वो लैंगिक प्रकार का नहीं कर सकते हैं नहीं करते हैं ध्यान समझिएगा इट मींस कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं या हैं जो क्या करते हैं लैंगिक जनन करते हैं तो ये जो सेंटेंस है ध्यान रखिएगा किसके बारे में लिख रहे हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और यही यूपीएससी ने पूछ दिया था और सब लोग गलत करके आ गए सर आप तो गलत लिखवा दिए तो मैंने कॉपी में मैंने कहा लिखवाया हूं मैं कि वो लैंगिक नहीं करेंगे मैं तो अलैंगिक समझा रहा था तो मैं उसका एग्जाम्पल दिया क्या कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव अलैंगिक जनन करते हैं या करने में सक्षम है ये दूसरा दूसरे टाइप का भी जनन कुछ कर सकते हैं मैंने ये कहा लिखवाया कि लैंगिक नहीं कर सकते ठीक है तो कर सकते हैं यूपीएससी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में भी कभी स्टेटमेंट बना के इधर उधर घुमाए तो आप घूमिएगा नहीं लेकिन ऑल नहीं सभी नहीं कर सकते सम प्रो कैरियर सारेबल ठीक दूसरा लिखेगा एक पॉइंट और लिखेगा इसी में अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समाइम कॉल्ड क्लोनिंग लैंगिक जनन को ही कभी कभी, कभी क्लोनिंग कहते हैं इज समाइम कॉल्ड असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समाइम कॉल्ड क्लोनिंग सी एल ओ एन आई एन जी क्लोनिंग लैंगिक जनन को कभी, कभी कभी क्लोनिंग कहते हैं जो पुराने चावल हैं इस थाली के क्लासरूम एक थाली है और आप लोग उसके में कुछ नए चावल हैं कुछ पुराने चावल हैं तो पुराने चावल जो हैं, वो बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनिंग मैंने एक लाइन की इतनी अच्छी डिफिनेशन लिखवाई हुई थी और कहा था याद रखिएगा उनको जो बायोटेक्नोलॉजी के क्लास में थे ठीक है और आपका जो फेस है वो देख के समझ में आ जाता है कि आप क्लास में थे कि नहीं थे तो बताइए लिख लीजिए नीचे ब्रैकेट में बॉक्स बना के क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉपीज हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखिए क्योंकि इसका हिंदी बनाओगे तो बड़ा कठिन हो जाता है अलैंगिक तौर पर उत्पन्न माता पिता लैंगिक लेंग, क्या हो उल्टा पुलटा हो जाता है सब ठीक है तो इसको हिंदी वाले भी लिखेगा क्लोनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉपीज ठीक वही है कि अपने अनुरूप ही क्या है बना लेना बाकी क्लोनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कहा बात करेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी कुछ लोग कर चुके हैं वहां पहले बात कर चुका हूं जो नहीं टेक्नोलॉजी की क्लास में थे आगे जब टेक्नोलॉजी की क्लास चलेगी तो हम लोग वहां बात करेंगे कि क्लोनिंग क्या होती है कितने टाइप की होती है ठीक भेडिंग लिए टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन के प्रकार टाइप्स ऑफ असेक्सुअल छोड़ दे इसी पे आप जाके अब इधर से पूरा असेक्सुअल प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बार घर पे रिवाइज करके फिर करिए मंडे को और मन, टेस्ट में कौन से चैप्टर तक का है इसके पहले तक के चैप्टर का है ना सब तो आइए मंडे को टेस्ट देना टेस्ट होगा ना कब है थर्सडे को है अरे वो नीचे लिखा रहता शेड्यूल इज टेंटेटिव वो वो नहीं पढ़ते क्या आप लोग ठीक है तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा कि मंडे को आपको क्या होगा टेस्ट होगा ठीक है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले जितना चैप्टर है सब मिला के ठीक है चलिए फिर